महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स के मौके पर गुरुवार को देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलंदर और मलंगों ने हैरत अंगेज करतब पेश कर अकीदत का नजराना पेश किया। यह कलंदर जुलूस के रूप में दरगाह पहुंचे और अपने साथ लाए हुए झंडे दरगाह में लगाए और लोगों को गरीब नवाज के उर्स की आमद की खबर दी। जाने क्या रहा आज खास। अजमेर में गंज स्थित गरीब नवाज का चिल्ला से गुरुवार शाम करीब 4 बजे कलंदर का व मलंगों के जुलूस की शुरुआत हुई। सबसे आगे कलंदर और मलंगों की एक टोली धारदार हथियारों और नुकीली चीजों से करतब दिखा रहे थे। तलवार से जुबान काटना, सर में नुकीली वस्तु को घोंपना, जीप के आर पार सलाई निकालना और हंटर से अपने शरीर पर चोट पहुंचाने आदि कर्तव्य मलंग दिखा रहे थे। इन्हें देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। कमजोर दिल वाले लोग इन करतब को नहीं देख पाए। मार्ग के दोनों ओर लोगों का हुजूम था और बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। वादक ख्वाजा गरीब नवाज की शान में धुन बजा रहे थे। ढोल वादक और नगाड़े वादक भी अपने पन का प्रदर्शन कर रहे थे। देश के विभिन्न हिस्सों से आए फकीर हरे लाल पीले नीले सफेद आदि रंगों के झंडे लिए हुए थे। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साईं शमशीर अली शाह खलीफा रफाई अल कादरी है और ये हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से ये निजाम को चलते लेके आ रहे हैं और हमारे बुजुर्ग लेते हुए सरकार गरीब नवाज में 29 तारीख जान की सरकार के पीरो मुर्शद के यहाँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाव फरीद शिकंदर रहमतुल्लाह अलैह हजरत निजामुद्दीन ये अमानत को लेके आते थे। उसके बाद में हमारे बुजुर्ग लोग ये लेते हुए आ रहे हैं और बहुत हमारे लिए बहुत कोई चीज़ का सावधानी होती है रास्ते में, हमारे को कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिलती है और ये निजाम बरसों से सदियों से चले आ रहा है। अच्छा, ये बताएं जो कर्तव्य दिखाते हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या है, थोड़ा क्या? ये हमारे रफाई सिलसिले में हमारे बुजुर्गों की देन है, हमारे पीरो मुर्शद की देन है हमारे को। तो ये पीरो मुर्शद ये तलवारें छुरिये खेल रहे हैं, ये हमारे पीरो मुर्शद चारों सिलसिले के फकीर लोग मिलकर इस चीज को चलाते हैं। चारों सिलसिले के रफाई बानवा जलाली एले तबकात चारों सिलसिले के फकीर हम लोग मिलकर चलते हैं। शरीर में नुकसान नहीं होता कोई, हमारे कोई शरीर में नुकसान नहीं होता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हमारे ईश्वर का। आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? आगे यही चलते रहेगा। जो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से अजमेर लेके आते थे तो यहाँ के उर्स शुरू होते थे। आज ये तमाम साधु संत पीर फकीर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके 850 साल से इस रस्म को अदा कर रहे हैं।
जो दिल्ली से 13 दिन में चल के अजमेर आते हैं, अभी गरीब नवाज के मेन गेट के ऊपर अपना आलम पेश करेंगे मौला अब्बास का, और उसके बाद उर्स का आगाज हो जाएगा। ये झड़िया आज 807 है गरीब नवाज का। ये झड़िया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तमाम औलिया हिंद फुकरा हिंद के साथ उस कदीम जमाने से लेकर यहाँ आते रहे, तब से लेकर आज तक ये रस्म चली आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह तक कयामत तक इंशाल्लाह चलती रहेगी। और तमाम गरीब नवाज हिंदुस्तान के फुकरा है जितने कलंदर है, ये सब इन झड़ियों को लेके आते हैं, रस्ते में पैदल आते हैं, दिल्ली से अजमेर तक का सफर पैदल इख्तियार करते हैं, और कोई इनके इंतजाम नहीं होता है, पर ये गरीब नवाज के इश्क में भूखे प्यासे चले आते हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।